रायबरेली एक्सप्रेस खबरें सबसे सटीक। लगभग दो साल बाद दरोगा हत्याकांड का 20 अगस्त 2018 वह तारीख थी जब अमेठी जिले में तैनात दरोगा धर्मेंद्र गौतम की रायबरेली जिले के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज स्थित ट्यूबवेल पर गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद जल्द ही हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया था, पर एक नहीं दो दो कप्तान बदल गए पर हत्यारोपियों की गिरफ्तारी ना हो सकी, जिसके बाद कहते हैं ना पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं और पुलिस ने दो वर्ष बाद हत्यारोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा ही दिया। क्या थी दरोगा हत्याकांड की वजह? दरअसल पुलिस के अनुसार हत्या की वजह जमीनी विवाद निकलकर सामने आई। मृतक दरोगा धर्मेंद्र गौतम निवासी मझगवां की जमीन हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गंगागंज के पास हाईवे के किनारे थी, जहां पर मृतक जब भी छुट्टी पर आता था तो वहां जाता था। उसी जमीन के पीछे सोनू यादव की जमीन थी। रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर दरोगा की हत्या की गई। पुलिस की छानबीन में सोनू यादव, विजय यादव, बबलू चौरसिया व राम कुमार यादव का नाम प्रकाश में आया था, जिस पर पुलिस ने छानबीन शुरू की और हाल ही में सोनू यादव व राम कुमार को जेल भेज दिया था। वहीं विजय यादव व बबलू चौरसिया फरार चल रहे थे, जिस पर पुलिस ने 15,000 का इनाम घोषित कर रखा था और आज पुलिस ने फरार दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। वहीं पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल को भी बरामद कर लिया है। इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक नित्यानंद राय ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मामले का खुलासा किया गया और क्या क्राइम ब्रांच द्वारा पूर्व में ही हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत वायरलेस ऑपरेटर श्री धर्मेंद्र गौतम की जो हत्या हुई थी उसका अनावरण किया गया था। इसमें चार मुलजिम विभिन्न स्रोतों से प्रकाश में आए थे, जिसमें एक सोनू नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है, जो वर्तमान में आज दो इनामी 15,000 के विजय पाल तथा बबलू चौरसिया को गिरफ्तार किया गया है। उसमें एक अभियुक्त अभी गिरफ्तारी को शेष रह गया है, जिसके लिए प्रयासरत है, जिसकी विवेचना पहले अपराध शाखा द्वारा की गई, वर्तमान में क्षेत्राधिकारी महाराजगंज द्वारा सफाई की जा रही है। इस सराहनीय कार्य के लिए अपराध शाखा के इंस्पेक्टर को 10,000 रुपये इनाम तथा शेष टीम को जिन्होंने गिरफ्तारी किया है उसको 10,000 पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया है। रायबरेली की लेटेस्ट खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।